घर चाहे जैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसमें दो ही बड़े काम होते हैं, उसका ऑर्गेनाइजेशन और उसकी क्लीनिंग। अगर आपने अच्छे से क्लीनिंग करके उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दिया है तो आपका घर हमेशा क्लीन रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ऑर्गेनाइजेशन करना आना चाहिए। इसके बाद ऑर्गेनाइज करने के बाद चीज़ें काफ़ी टाइम तक अपने आप ही क्लीन रहती है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल वर्षा होम डेकोर आइडिया। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट से अब शुरुआत करते हैं हमारे आज के ऐसे ही कुछ नए टिप्स की, जिससे आप हमेशा अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। जब बच्चे कहीं भी जाते हैं, अक्सर वो पार्क में खेलने जाते हैं, फुटबॉल वगैरह खेलते हैं, तो इस तरीके से उनके शूज़ डेली गंदे हो जाते हैं। अगर डेली आप इन्हें वॉश करेंगे तो ये जल्दी से ख़राब हो जाएंगे। इसलिए मैं इनकी जो भी इन पे मिट्टी चढ़ जाती है उसके लिए जो कपड़े धोने वाला ब्रश आता है उसको यहाँ पे थोड़ा सा गीला करके अच्छे से ऊपर की तरफ से इसको अच्छे से इस तरीके से क्लीन कर देती हूँ। और जो नीचे वाला हमारा पोर्शन है उसके लिए मैं यहाँ पे कोलगेट, जो वाइट कोलगेट आती है, उसको ब्रश के ऊपर लगा के इस तरीके से नीचे वाले पोर्शन को क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि ये सिर्फ पोंछने से ना ही तो क्लीन होगा और धीरे धीरे इसका जो वाइट कलर है वो येलो अपने आप ही हो जाएगा अगर आप इसे क्लीन नहीं करेंगे तो। इसलिए मैं हमेशा डेली जब भी बच्चे पार्क से खेल के आते हैं और इस तरीके से उसके शूज़ गंदे होते हैं तो मैं उसी तरीके से इसे डेली क्लीन कर देती हूँ। अक्सर सर्दी में भी हमारे जूते बहुत ज़्यादा बच्चे पहनते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा गंदे भी करते हैं, इसलिए सर्दी के टाइम में भी ये बहुत डिले हो जाता है इनको सूखने में। और इस तरीके से ही मैं सर्दी के टाइम पे भी इन्हें क्लीन करती हूँ। इस तरीके से देखिए कितने फटाफट से ये अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और ड्राई भी हो जाते हैं। आप अपने घर में हर जगह ब्लैकआउट कर्टेन यूज़ नहीं कर सकते हैं और ना ही हर जगह आप अपने घर में शीयर और ट्रांसपेरेंट कर्टेन यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट जो कर्टेन होते हैं उनका सबसे बेस्ट यूज़ है कि आपके जो घर के अंदर के जितने भी गेट हैं, लाइक आपके लिविंग एरिया के अंदर जितने भी गेट बनते हैं रूम वगैरह के, आप उनमें इस तरीके से ट्रांसपेरेंट कर्टेन लगा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, जल्दी गंदे होते हैं, बट इतनी ही जल्दी ये सूख भी जाते हैं। और वाइट कलर के जब भी आप कर्टेन डालेंगे अपने घर के अंदर और इस तरीके से जो ट्रांसपेरेंट है, इससे आप देखेंगे कि आपका जो एरिया है उसका जो साइज है वो भी ज़्यादा बड़ा दिखेगा। और व्हाइट कर्टेन डाल देने से जो एक हमारा जो घर है वो उससे बड़ा तो दिखता ही है, उसके साथ में उसमें एक अलग से एक ब्यूटी ऐड हो जाती है, वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इसलिए मैं हमेशा अपने घर में इस तरीके से अंदर की तरफ ट्रांसपेरेंट कर्टेन डालना ही पसंद करती हूँ। हमारे सभी के पास इस तरीके से स्टिकर वाली टी शर्ट्स होती हैं, बच्चों की होती है, हमारी होती है। अब इनको वॉश करना इजी है, बट बात आती है इनको आयरन करने की। कभी कभी हम डायरेक्टली इन पे आयरन कर देते हैं या फिर हम स्टिकर को छोड़ के आयरन करते हैं तो गलती से भी अगर वो गर्म जो आयरन होता है वो लग जाता है तो स्टिकर हमारा वहाँ पे चिपक जाता है। इस तरीके से आप चाहें तो जब भी आयरन वगैरह करते हैं जो छोटे स्टिकर है, बच्चों की टी शर्ट के ऊपर स्टिकर है, उनके ऊपर आप इस तरीके से रुमाल डाल के भी उन्हें आयरन कर सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे ही एम्ब्रॉयडरी वाले कुर्ते वगैरह होते हैं, उनको भी आप उल्टा करके आयरन कर सकते हैं, इससे उनमें शाइन भी आ जाएगी, आयरन भी हो जाएगा और हमारा जो एम्ब्रॉयडरी है वो वाला पोर्शन भी अच्छे से आयरन हो जाएगा। इस तरीके से छोटी चीज़ों को तो आप इस तरीके से रुमाल डाल के प्रेस कर सकते हैं और जो बड़े स्टिकर वगैरह होते हैं उनको इस तरीके से आप उस टी शर्ट को या उस जो भी आपके पास कपड़ा है उसके ऊपर स्टिकर है आप इस तरीके से उसे सिंपली उल्टा कर लीजिए और उल्टा करने के बाद इसके ऊपर आप आयरन कर सकते हैं। क्योंकि स्टिकर अगर वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, अगर आप वो आयरन गलती से ख़राब हो जाता है तो फिर हमारा जो कपड़ा है वो ख़राब हो जाता है। इस तरीके से मैं इन कपड़ों को इस तरीके से आयरन कर देती हूँ। जब भी हमारा आरओ वाला एरिया होता है, जब भी हमारा प्योरीफायर लगा होता है, उस सेक्शन के अंदर आप देखते हैं कि बहुत सारी वायर हो जाती है, इनलेट आउटलेट की वायर हो जाती है और ये जो एक्सटर्नल फिल्ड सेगमेंट होता है हमारा फिल्टर का, ये भी दीवार पे लगाने के बाद मुझे बहुत बेकार सा लगता है। इसलिए आप इसे हाइड करने के लिए इस तरीके से जो आर्टिफिशियल प्लांट आते हैं, जो हैंगिंग प्लांट आते हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ क्या होगा, ये हाइड भी हो जाएगा और इस कॉर्नर में थोड़ी सी ग्रीनरी ऐड हो जाएगी और दिखने में काफी ज्यादा सुंदर लगता है। आप इस वाले हैक को ट्राई कर सकते हैं, ये काफी ज्यादा अच्छा लगा मुझे।
हमारे सभी के घरों में इस तरीके से कुछ कॉर्नर बनते हैं। अब आप इस कॉर्नर को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, लाइक आप इस तरीके से अगर छोटे प्लांट लगाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। आप इस प्लांट को लगा सकते हैं बट एक हाइट पे ही आप किस कॉर्नर के ऊपर उसकी ब्यूटी को एनहेंस कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा हाइट दे के लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस तरीके से कॉर्नर में कुछ आर्टिफिशियल प्लांट लगा के भी उसे डेकोरेट कर सकते हैं। कॉर्नर जो है वो हमेशा हाइटेड प्लांट या फिर आर्टिफिशियल प्लांट, रियल प्लांट, जो भी चीज़ है, अगर आप उसमें थोड़ा सा हाइट देके लगाएंगे तभी वो ज़्यादा अच्छा लगता है। डायरेक्टली आप कुछ भी नीचे रख देंगे तो वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से आप चाहें तो इस वाले एरिया में लैंप वगैरह भी लगा सकते हैं। कॉर्नर में ही लैंप वगैरह हमारे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। इस तरीके से आप अपने बोरिंग कॉर्नर को डेकोरेट कर सकते हैं। हम अक्सर अपने स्विच बोर्ड वगैरह को बहुत ज़्यादा टच करते हैं, हमारे हाथ हमेशा क्लीन नहीं होते हैं। हम चाहे फिर भी अच्छे से सफाई का, क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं बट हमारे बच्चे वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। इस तरीके से हमारे स्विच बोर्ड, ऐसे कुछ स्विच बोर्ड होते हैं जो दिन में 10 से 15 बार बच्चे टच करते हैं, जैसे कि हमारा टॉयलेट और बाथरूम वाले स्विच होते हैं। अक्सर मेरा बच्चा भी इस वाले स्विच बोर्ड को बहुत ज़्यादा टच करता है और वो गंदा हो जाता है। आप इस तरीके से क्लीन करेंगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, इसलिए आप वाइट कोलगेट ले लीजिए एक ब्रश के ऊपर और इस तरीके से हम इनको अच्छे से लगाएंगे और इसके बाद अच्छे से इन्हें क्लीन कर देंगे। ये वाला जो काम है वो आप महीने में एक बार करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें क्लीन हो जाती हैं और आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। साथ ही में दीवार पर भी कुछ निशान लग जाते हैं, बच्चों के गंदे हाथ होते हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पर टिश्यू या फिर गीले कपड़े की हेल्प से इन्हें अच्छे से पोंछ देती हूँ। इससे जो है दीवार भी हमेशा क्लीन रहेगी। इससे आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।